प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज हम लोग आपके करियर को एक नई दशा और दिशा देने वाले एक ऐसे क्षेत्र की बात करना चाहते हैं जिसे बैंकिंग कहा जाता है। बैंकिंग का एक ऐसा सेक्टर है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों कि मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि बैंकिंग के सेक्टर में लगातार ग्रोथ रेट बढ़ते जाता है। बैंकिंग के सेक्टर में कभी भी नौकरियों की कमी आप देखने को नहीं मिलेंगे, कभी भी बैंकिंग सेक्टर में आपको छटाई देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक्स के ब्रांचेज बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियों की संख्या बढ़ते जा रही है। बैंक हर गांव-गांव में पहुंच रहा है, हर बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको नौकरी की कमी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी जो है लगातार बढ़ते जा रही है, चाहे वह IBPS हो, चाहे वह RRB हो, चाहे वह RBI हो, चाहे वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाने वाली वैकेंसी हो, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं, ICICI से लेकर के HDFC से लेकर के अन्य जितने भी बैंक हैं, सब के द्वारा आप देखिएगा कई वैकेंसी साल में लगातार आते रहती है और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वैकेंसी आती है, चाहे वो क्लर्क की वैकेंसी आए, चाहे PO की वैकेंसी आए। इसलिए बैंकिंग भी आपके उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए प्यारे विद्यार्थियों एक बहुत अच्छा करियर है। इस करियर में भी यदि आप जम करके मेहनत करें तो सफलता सुनिश्चित की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, बैंकिंग में हम लोग दो भागों में, जैसा कि आप जानते हैं, PO और क्लर्क। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, बैंकिंग का एग्जामिनेशन जो पहले होता था उसमें इंटर लेवल वाले को भी मौका दिया जाता था, लेकिन अब आप जानते हैं कि सरकार ने नियमों को बदला है और अब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से BCOM हो, BSc हो, BA हो, है ना, वही विद्यार्थी ही बैंकिंग एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। आपको ये जानकारी रखनी होगी और इसलिए इस चीज को मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी होगी कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अब ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज की सीमा होती थी कि पहले ऑनर्स पेपर में इतना परसेंटेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब वो सीमाएं नहीं रही हैं। अब आप बैंकिंग सेक्टर में, आपका ग्रेजुएशन में कोई भी परसेंटेज हो, आप इस एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर में किन किन विषयों से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आपको सफलता सुनिश्चित करनी है, आइए हम लोग उस पर विचार करते हैं। सबसे पहला विषय है मैथ्स, दूसरा विषय है रीजनिंग, तीसरा विषय है इंग्लिश, चौथा विषय है GA जिसे जनरल अवेयरनेस भी कहा जाता है, और पांचवा विषय है कंप्यूटर। प्यारे छात्रों, ध्यान देंगे, यदि बैंकिंग सेक्टर में आपने इन पांचों पिलर्स को मजबूत नहीं रखा तो आपको परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे नियम होते हैं कि आपको हर सेक्टर में पास करना है। आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर बहुत अच्छा है और मैंने इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, मैं पास कर जाऊंगा, और GA में आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लाया, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि 200 में 160 प्लस नंबर उन्होंने लाया, लेकिन एक विषय में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, मान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस में क्वालिफाइंग मार्क्स था 10 और आपको उसमें आ गए 9, और बाकी इन सब जगह में आपके 50 में 40, यहां रीजनिंग में भी आपके 40 आ गए, GA इंग्लिश में भी आपके जो है 35 आ गए, कंप्यूटर में भी आपके 35 आ गए, लेकिन GA में क्वालिफाइंग मार्क्स 10 था और आप मात्र 9 लेकर के आए, तो आपके इतने अच्छे स्कोर के बावजूद भी आप पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि आपको इन सभी विषयों को समान महत्व देते हुए अपनी तैयारी को आयाम देना होगा। बैंकिंग के अभ्यर्थियों से मेरी यही गुजारिश होगी, यही अनुरोध होगा कि वो अपनी तैयारी को जो है इसी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी को शुरुआत करें। छतगन, दूसरी बात को जो आपको ध्यान देना होगा कि बैंकिंग के सेक्टर में मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने की जो है विधि, कम समय में टाइम मैनेजमेंट, ट्रिकी अंदाज, क्वेश्चन को देखते के साथ ही बनाने की क्षमता, कम पेन चले, कम पेंसिल चले, दिमाग से
हमारा दिमाग जो कंप्यूटर से भी तेज है, दिमाग से कैलकुलेशन तेजी से हो। 30 तक का पहाड़ याद कर लीजिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, देखिएगा कैलकुलेशन अपने आप तेज गति से होने लगेगा और आपके लिए मैथ्स विषय बहुत ज्यादा कठिन साबित नहीं होगा। इसलिए मैथ्स के लिए आपको यह टेक्निकल अंदाज अपनाना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। रीजनिंग के लिए भी जो है थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ी सी ट्रिक, किस तरीके से रीजनिंग के प्रश्नों को हल किया जाता है, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो, नॉन वर्बल रीजनिंग हो, इनको कैसे टेक्निकल वे में ये किया जाता है। और रीजनिंग में तो मैं ये कहूँगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना रीजनिंग में आपका मजबूती आते चला जाएगा, उतना ही आप रीजनिंग में अपने आप को परफेक्ट बनाते चलिएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी होगी कि मेहनत जम करके करनी होगी, मेहनत आपको इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़नी होगी और प्रैक्टिस करते रहना होगा। हर चैप्टर के बाद टेस्ट पेपर बनाइए, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा, उसके बाद आज तक बैंकिंग में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो आईबीपीएस में पूछे गए हों, एसबीआई में पूछे गए हों, आरआरबी में पूछे गए हों, प्राइवेट बैंक्स में पूछे गए हों, सारे प्रश्नों को बना डालिए, तब आपकी तैयारी कहलाएगी कि हाँ आप सही मायनों में तैयारी कर रहे हैं, सही मायनों में आप अपने करियर के प्रति जुनूनी हैं, सीरियस हैं, अपने आप को झोंकना चाहते हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी, इंग्लिश, बैंकिंग के इंग्लिश में क्या होता है, अंतर क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और ग्रामेटिकल क्वेश्चन से क्वेश्चन थोड़े से कम रहते हैं। आपको तैयारी क्या करनी है कि बैंकिंग की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पर विशेष जोर दें, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पर विशेष जोर दें। इसके लिए क्या करें, न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल को पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को, खास करके हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इन सब के न्यूज़पेपर के यदि एडिटोरियल्स को आप पढ़ते हैं तो आपको 3-4 फायदे होंगे। एक, आपका कॉम्प्रिहेंशन बनाने की टेक्निक आपके अंदर में आ जाएगी। दूसरा, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपका वर्ड पावर मजबूत होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मजबूत होगा, स्पेलिंग टेस्ट जो आते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में वो आपके मजबूत होते चले जाएंगे। और आपका कहा जाता है एक पंथ दो काज एक तिल से कई शिकार, वही यहां पर एक तिल से आप कई शिकार कर सकते हैं। अंग्रेजी न्यूज़पेपर और उसका एडिटोरियल पेज पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मैं अपने निजी अनुभवों पर और कई सफल विद्यार्थियों के अनुभवों के आधार पर आपको कह रहा हूं कि जिन्होंने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेजेस को पढ़ा है, खास करके द हिंदू का एडिटोरियल पेज काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसे लोग पढ़कर के आईएएस भी बनते हैं, तो उन एडिटोरियल पेज को पढ़ने से मैंने कई बार ऐसा देखा है कि उन एडिटोरियल पेजों से कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज हूबहू उठा करके बैंकिंग के पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन में दे दिए जाते हैं। अब मान लीजिए जिस पैसेज को आपने पढ़ा है और वही एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि जब वही सब चीज सेम चीज आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ जाएगा तो आपको वहां समय बचेगा, आपका वो चीज पूरा पढ़ा रहेगा, आप तुरंत उसको हल कर लीजिएगा। यदि पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो आप पढ़ के उसको समझिएगा, फिर आप उसको हल करने के लिए नीचे क्वेश्चंस को बनाइएगा, इसमें क्या होगा समय ज्यादा लगेगा और उसमें समझने में भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए एडिटोरियल को पढ़ने की आदत डालिए अंग्रेजी को मजबूत यदि करना है तो। और दूसरी बात कि एडिटोरियल को पढ़ने से जैसा मैंने बताया कि आपका सिनोनियम सेंटोनियम मजबूत होगा, वर्ड पावर मजबूत होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मजबूत होगा, स्पेलिंग टेस्ट आपका मजबूत होगा, कॉमन एरर्स आपके मजबूत होंगे और इंग्लिश के कई वाइटल पार्ट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ये चीज की स्ट्रेटेजी भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसलिए न्यूज़पेपर को अपना मित्र बना लें, अपनी दोस्ती कर लें और न्यूज़पेपर के साथ जो है आपका एक ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे कि एक जो है मासूका का अपने मासूक के साथ होता है। इस तरह न्यूज़पेपर के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करें, अंग्रेजी अपने आप मजबूत होती चली जाएगी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। जनरल अवेयरनेस, प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जीएस पूछता है। नहीं, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन जीएस एंड जीए। जीए का अर्थ होता है जनरल अवेयरनेस, सामान्य सचेतता। जीएस का अर्थ होता है जनरल स्टडीज। आप एसएससी का एग्जाम देंगे, रेलवे का एग्जामिनेशन देंगे, जेपीएससी का एग्जामिनेशन देंगे, यूपीएससी का एग्जामिनेशन देंगे, सीडीएस का एग्जामिनेशन देंगे, जीएसएससी का एग्जामिनेशन देंगे, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं का आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे जनरल स्टडीज कहा जाता है। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य सचेतता से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है जनरल अवेयरनेस, आइए हम जानने की कोशिश करें। जनरल अवेयरनेस में, जो कि बैंकिंग का एक वाइटल पार्ट है, उसमें जो सवाल आपको पूछे जाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। पहला आपको रहेगा बैंकिंग टर्म्स, प्रतियोगी विद्यार्थियों बैंकिंग टर्म्स क्या है। बैंक में जितने भी नए नए शब्द आ रहे हैं,
एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, सीआरआर क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सारे चीजों को आपको याद रखना होगा, सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। नई नई बैंक में टेक्नोलॉजी आ रही है, एटीएम से लेकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेट्रो कार्ड से लेकर के जितने भी तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, है ना, बैंक में नए नए चीजें जो लागू कर रही है सरकार, सारे नए टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान रखना होगा। बैंकिंग टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बैंकिंग टर्म्स से जुड़े हुए हर पहलू को, चाहे वो करंट अकाउंट हो क्या खासियत होती है, रेकरिंग अकाउंट हो क्या खासियत होती है, सेविंग अकाउंट हो क्या खासियत होती है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो उसकी क्या खासियतें होती हैं, ये सारे चीजों को ध्यान रखना होगा प्रतियोगी विद्यार्थियों। इन्हीं सब चीजों से डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चेक काट देते हैं लेकिन चेक में कौन से अक्षर क्या चीज को इंडिकेट करता है, कौन बैंक के ब्रांच को इंडिकेट करता है, कौन सिटी को इंडिकेट करता है, कौन बैंक का कोडवर्ड होता है, ये सब चीज आप नहीं जान रहे, आईएफएससी कोड क्या होता है, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और बैंकिंग टर्म्स के तहत इन्हीं सब प्रश्नों की वानगी आपको वहां पर मिलेगी, इसलिए बैंकिंग टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। पूछ देगा सवाल आपसे, बताइए बैंक में कौन सा ऐसा खाता है जिसमें बैंक किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देता बल्कि सेवा शुल्क ही ग्राहक के खाते से ले लेता है, करंट अकाउंट है, है ना। कौन सा बैंक में ऐसा खाता खोला जाता है जिससे व्यक्ति शेयर बाजार में काम कर सकता है, डीमैट अकाउंट है, उसके बिना आप शेयर बाजार में काम नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि मैं अपने करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट के थ्रू शेयर बाजार में खरीद बिक्री कर लूं, छतगन आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये सब प्रश्न आपको मिलेंगे बैंकिंग सेक्टर में जनरल अवेयरनेस के तहत और विशेष तौर पर बैंकिंग टर्म्स के तहत, इसलिए आपको बैंकिंग टर्म्स पर भी पूरे तरीके से प्रतियोगी विद्यार्थियों कमांड रखना होगा। दूसरा इकोनॉमिक्स, प्रिय छात्रगण, बैंकिंग में इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी देश के मेरुदंड होते हैं, किसी भी देश का बोन मैरो होता है, इसलिए बैंक भी हमारे देश का एक तरीके का बोन मैरो है, मेरुदंड है। और आप यदि चाहते हैं कि बैंकिंग में सफलता प्राप्त करने, तो आपको इकोनॉमिक्स पर भी पूरा कमांड करना होगा, इकोनॉमिकल टर्म्स पर भी आपको पूरा कमांड करना होगा। क्या करना होगा इसके तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, हमारे देश में जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स कौन कौन से हैं, किन किन बैंकों को टेक ओवर कर लिया गया है, ये सारे चीजों को आपको इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ना है। इकोनॉमिकल टर्म्स के तहत आपको हर उस चीज को, लॉ ऑफ डिमांड से लेकर के जितनी भी तरह के इकोनॉमिक्स में जो घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वह हमारे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हो, चाहे वह आपको मार्शल रॉबिन्सन, एडम स्मिथ के द्वारा इकोनॉमिक्स की दी गई परिभाषाएं हो, चाहे वह इकोनॉमिक्स के तहत हमारे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, हर चीजों से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उन सारे चीजों पर कमांड रखना होगा, उन सारे चीजों पर ध्यान देना होगा। ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इकोनॉमिकल टर्म्स पर कमांड रखनी होगी। इकोनॉमिकल टर्म्स पर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको व्याख्यान देंगे, ताकि आप एक एक चीजों को जो है अपने आप को तैयार कर सकें और आपके प्रश्न कहीं से भी छूटने ना पाए। तीसरा है करंट अफेयर्स। छतगन ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स जिस प्रकार 440 वोल्ट का करंट जब दौड़ता है तो बिजली कौंधने लगती है, ठीक उसी प्रकार यदि करंट अफेयर्स आपका मजबूत नहीं रहा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, तो फिर आप बैंकिंग तो क्या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को मजबूत रखें, चाहे वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, नेशनल करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स हो, चाहे वह स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स हो, चाहे वह बुक से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स हो, चाहे वह स्टेट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। और इसके लिए एकमात्र उपाय है, न्यूज़पेपर पढ़ें, जम कर पढ़ें, प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर को पढ़ें और जो भी इंपॉर्टेंट घटना लगती है उसको तुरंत अपने डायरी में नोट डाउन करें। मान लीजिए कोई भी तारीख है, मान लीजिए आप 1 दिसंबर का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो लिख लीजिए 1 दिसंबर और उस दिन के महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और उस करंट अफेयर्स पे आपकी कमांड भी हो जाएगी। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए करंट अफेयर्स को आपको मजबूत रखना होगा, करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बना करके रखनी होगी। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी न्यूज़ सुने, लोकसभा राज्यसभा के न्यूज़ आते हैं, DD1 के न्यूज़ आते हैं, रेडियो पर न्यूज़
जर्नल्स जो आते हैं उन सब चीज़ों को सुने, और सुने ही नहीं बल्कि एक डायरी और पेन हमेशा पास में रखें। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, चाहे न्यूज़पेपर की हों, चाहे टीवी न्यूज़ की हों, चाहे रेडियो न्यूज़ की हों, उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम लोगों का मेमोरी पावर बहुत शॉर्ट होता है। हम लोग सुबह की बातें शाम को भूल जाते हैं। आपको लगेगा सुबह तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, शाम को आपसे पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे। इसलिए आपको करना क्या होगा कि नहीं, मुझे न्यूज़पेपर के में या रेडियो में या टीवी में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिले हैं मैं उसे नोट डाउन कर लूँ। ये नोट डाउन करने से आपको फायदा क्या होगा कि आप जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने जाएंगे तो आपके पास मान लीजिए 6 महीना पुराना पूरा नोट्स तैयार रहेगा, तो आप एक सरसरी निगाह से उसको देख लेंगे तो फिर क्या होगा, करंट अफेयर्स पे अपने आप आपकी कमांड हो जाएगी, अपने आप उसको आप मजबूत कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदा करेगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन चौथा और अंतिम चीज है जीके। बैंकिंग में जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, चाहे वह विभिन्न देश और उसकी मुद्राओं के नाम हो, चाहे वह विभिन्न देशों के संसद के नाम हो, चाहे वह विभिन्न देशों की गुप्तचर संस्थाओं के नाम हो, चाहे वह कौन से शहर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। आजकल इन सब चीज़ों से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और विगत वर्षों में तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इधर जो 2-3 वर्षों से ट्रेंड बना है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इवन बैंकिंग एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ऐसे प्रश्न भी पूछने जो एग्जामिनर ने शुरू कर दिए हैं। तो आपको भी अब इन सब प्रश्नों पर भी ध्यान देना होगा, बैंकिंग की तैयारी में इन पर भी आपको अपने आप को तैयार रखना होगा, इस चीज को भी आपको छतगन ध्यान रखना होगा। ये भी आपके लिए एक स्ट्रेटेजी साबित होगी, आपके लिए मेहनत का एक रास्ता खुलेगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, बैंकिंग सेक्टर में आपको सफलता यदि प्राप्त करनी है तो टाइम मैनेजमेंट बनाइए, हमेशा क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट पेपर का भी सहारा लीजिए। इससे आपने आपको आपको पता चलेगा कि इवेलुएट आप कैसे कर रहे हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन कमजोर है। साथ ही साथ दूसरी बात को आप जो ध्यान रखना है कि बैंकिंग के लिए संडे को टेस्ट जो होते हैं, है ना, जो संस्थान द्वारा लिए जाते हैं, उस टेस्ट को भी आप पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा कि टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि मेरा रीजनिंग का पार्ट कमजोर है, कंप्यूटर का पार्ट कमजोर है, कि मैथ्स का कमजोर है, कि इंग्लिश का कमजोर है, कि जीए का कमजोर है, कि रीजनिंग का कमजोर है, जो भी पार्ट कमजोर है आप उसको मेहनत कीजिएगा। हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हमारे जो भी टीचर्स आएंगे पढ़ाने के लिए बैंकिंग में, वो हर बैंकिंग के चैप्टर्स के बाद आपको एक टेस्ट पेपर देंगे, जो कि आज तक विभिन्न बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे उनका एक जगह एकत्रीकरण किया हुआ रहेगा। इससे क्या होगा कि आप उन चैप्टर्स के सारे पूछे गए प्रश्नों को यदि बना लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट मिलेगा, निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। और चूंकि प्रश्न अधिकतर क्वेश्चन बैंक से सेट किए जाते हैं, तो अगले बार जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको उसी तरह के प्रश्न जब मिलेंगे, केवल डिजिट चेंज रहेगा, तो आपको बनाने में भी आसानी रहेगी। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, कंप्यूटर हो, सबके बाद हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर देंगे। ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ये भी निश्चित तौर पर आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, तो आज बैंकिंग सेक्टर के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और अगले कक्षाओं से हम लोग इसकी तैयारी पर आ जाएंगे। क्योंकि किसी भी कैरियर के प्रति, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपने अपने कैरियर को चुना है, वहाँ सफलता के प्रति आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरे जोश, जज्बे और जुनून के साथ जुट जाएंगे और अपने आप को एक प्लानिंग के तहत, एक रणनीति बना करके, एक स्ट्रैटेजी के साथ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझते हुए और क्वेश्चन बैंक का सहारा लेते हुए, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगातार बनाते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए यदि आप तैयारी करते हैं तो विश्वास मानिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित तौर पर सफलता के झंडे जो है बुलंद करेंगे, ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।